सो गाइस चलिए अभी भाई डायरेक्टली बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं एंड मानो कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं सारे चीज़ें एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सारे के सारे डिटेल्स आपको इस यूज़र मैनुअल में देखने को मिल जाएगा। और साथ में ये है हमारा वारंटी कार्ड, जिसको आप क्लेम कर सकते हो 1 ईयर वारंटी। और ये है इसका माइक्रोफोन इंस्टॉलेशन रिंग, जिसकी मदद से आप अपना माइक को गड़ा सकते हो, मतलब सीधा खड़ा रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद है हमारा ये जो दो चीज़ें लगा हुआ है, एक है फोम विंडस्क्रीन कैप, जिसकी मदद से आपका जो बैकग्राउंड नॉइस वो कैंसिल हो जाएगा, बाहर के जितने भी सारे नॉइस होंगे वो कैंसिल हो जाएगा। और ये है हमारा USB केबल, जिसको आप अपने CPU के साथ कनेक्ट करके अपना मधुर वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। ओके ओके, तो नेक्स्ट में हमारा आता है क्या, यह है हमारा ट्राइपॉड, जिसकी मदद से आप अपना माइक को खड़ा कर सकते हो, सीधा खड़ा रहेगा, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होगा। ओके, और उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन भी चेंज करवा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ये सिलिका जेल, जिसकी मदद से आपको माइक को कोई खाएगा नहीं। और उसके बाद एक अच्छा सा कवर के साथ हमारा मेन USB माइक्रोफोन है माओनो की तरफ से, जिसमें आपको एक माइक गेन मिल जाता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको बेसिकली साउंड बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका डिज़ाइन आप लोग देख लो। ओके, चलो अभी कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बिना स्किप करते हुए देखो। और इसको इसी तरह से भाई इंस्टॉल किया जाता है, माइक को इंस्टॉलेशन रिंग के अंदर डाला जाता है और उसके बाद ट्राइपॉड के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर अभी। ओके, इसको इस तरह से खड़ा किया जाता है, जिसकी मदद से माइक सीधा रहेगा। और आप इसको अपने हिसाब से टाइट भी कर सकते हो। और फाइनल जो हमारा 14 mm का जला लार्ज माइक कैप्सूल है, जिसको माइक के नीचे की तरफ लगा जाता है। और अभी मैं जो डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इस माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को भाई साउंड का फ़र्क पता ही चल रहा होगा। और ये है हमारा USB केबल, USB पोर्ट, जिसको आप डायरेक्टली अपने CPU में लगा सकते हो। और एक अच्छा फीचर है, आप इसको OTG की मदद से भी अपने फ़ोन के माध्यम से रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो देखो, इसको इसी तरह से यूज़ करना अपने स्मार्टफोन के अंदर, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में भी अच्छा खासा वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड आपका जो डेंजरियस साउंड होता है उसको मधुर साउंड में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एंड आपका वीडियो सारे के सारे लोग पसंद करेंगे और आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। एंड ये आपको इतने कम प्राइस रेंज के अंदर मिलता है, तो डेफिनेटली आप इसको खरीदना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ चेकआउट करो। चलिए इस माइक में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 14 mm का लार्ज माइक कैप्सूल और हाई स्पीड USB प्लग एंड प्ले का फीचर भी देखने को मिलता है। और इसमें आपको प्रोफेशनल साउंड चिपसेट के साथ हाई रिजोल्यूशन सैम्पल रेट, और इस माइक को आप अपने विंडोज़ या फिर मैक OS पर भी इजीली यूज़ कर सकते हो।